सेंटर में नहीं है, सेंटर में सही है। नहीं ना देख, वो पंछी वर्षाप का एक जोशी है, वर्षाप में आपको एक सवाल पेश किया गया था कि आप इस पर गौर फिक्र करें, इंशाल्लाह बशर्ते सेहत में उसका जवाब आपसे सुनने का ख्वाहिशमंद हूं। फिर पिछले टाइम अंदर बाबा हो या रामपुर से इतने तकवीन से मुतालिक जो मुझे फैज हासिल हुआ है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आखिरी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कुरान पाक ने बड़बड़ा ऐलान फरमाया कि कुरान में कोई छोटी से छोटी बात और बड़े से बड़ा मसला ऐसा नहीं है जिसमें कुरान में वजाहत न कर दी हो और दुनिया आखिरत जन्म दौलख हशर व नश नफख़-ए-सूर बरज़ख सात आसमान बैतुल-मामूर सूरत-उल-मुंतहा याब-ए-अज़मत याब-ए-किबरिया याब-ए-महमूद मुकाम-ए-महमूद और तजल्ली ज़ात के फार्मूले इक्वेशन वजाहत के साथ बयान न फरमाया हो। लाल वाले सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, तहदान में कोई छोटी से छोटी बात और कोई बड़ी से बड़ी बात ऐसी नहीं है इल्ला अहसा जिसकी कुरान पाक में वजाहत मौजूद ना हो। वो मौजू है कि उलट पलट जिंदगी हो, जन्नत की जिंदगी हो, दोज़ख का इकाम हो, कहकशानी निजाम हो, दरियाओं समंदरों पहाड़ों फिजा के तख्लीकी फार्मूले हों, इक्वेशन हो, पैदाइश
लोगों को हयात की भूल भुली है, अधेरा रोशनी इस्तराब बेचैनी परेशानी रोना धोना हम का इलाज न हो, राहत सुकून रोशन आय और दिमाग की नसीहत न हो, ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजाहत कुरान पाक में मौजूद नहीं है। ला करो सही रकम वाला कभी रकम इला आसान दूसरी बात बताने ने एक बात फरमाई कि आदमी और इंसान में फर्क है, आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की तमाम ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम की दुनियाओं में शजर व हजर चिड़िंग परिंग कोसार मददार फूल फूलों में रंग पृथ्वियों की तरंग हर चीज कुरान पाक में भी वजाहत मौजूद है। कुरान पाक में जो खंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीम के मुताबिक तीन अबवाब बयान हुए हैं और तीन अबवाब भी मुफस्सल तफसीलात मौजूद है। ससुर कुरान में जो मुताला किया जाता है तो कायनात की शुरुआत से कायनात की रशीम फराश आंधी बारिश तूफान कुरान के तीन अबवाब है। एक बाब इबरत हासिल करने के लिए इनाम याफ्ता तबकात के आसासो आशाय आरामो आसाइश की खुशनुमा जिंदगी के लिए और आलम में टूट फूट तबाही बर्बादी तामीर के वाकयात तफसीलन बयान किए गए हैं जो पैगंबरान इकराम अलैहिस्सलाम के खुसूसी अंबिया में और खुसूसी कुरान में उल्लास के साथ मिले। दूसरा बात शरीयत मुतहरा से मुताल्लिक है, हवाम और इंसान में फर्क क्या है, हवान और हवानात और इंसान की जिंदगी में वो कौन
تغیر ہے وہ کون سی تبدیلی ہے وہ کون سی احتیاط ہے جس سے آدمی حیوانات سے جدا ہو کر انسانیت کا لباس پہنتا ہے یا پہنتا ہے. تیسرا بات سارا تاریخ کا ہو گیا, پھر شریعت مطالعہ کا ہو گیا. تیسرا بات جو ہے وہ اللہ تعالی کے ایگزیکشن سے متعلق ہے. تام سورج ستارے زمین مستقل گردش میں ہے, اس گردش میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو کہیں ہمیں تغیر نظر نہیں آتا. اگر ایک سورج 10,000 سال پہلے مشرق سے نکلا تو آج بھی مشرق سے نکلا. یہ سب ایسا نظام ہے جس نظام میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے تو ہمیں الگ ہے, اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تغیر ہوتا ہے. چڑیا چڑیا ہے, چیوٹی چیوٹی ہے, ہاتھی ہاتھی ہے, پہاڑ پہاڑ ہے, آسمان آسمان ہے, سورج سورج ہے. رسک کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک گندم گندم ہے, یہ کسی چیز میں تغیر نہیں. مشرق مغرب شمال جنوب ہمیشہ سے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس میں تغیر نہیں. آدمی کے یہاں آدمی, بندر کے یہاں بندر, مرغی کے یہاں مرغی, چڑیا کے یہاں چڑیا, درخت کے یہاں درخت, ہر مخلوق کا لگا بنا ایک قانون. دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی نظام میں جو حواس رکھے ہیں, سننا, دیکھنا, بولنا, محسوس کرنا, سونا جگنا, غمگین ہونا, پرسکون ہونا, یہ سب باتیں آدم میں بھی تھیں اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد آدم کی اولاد میں بھی ہے. تبھی کے بعد میں آج مشرق ترین کی اجازت سے
एक तकवीनी अल्लाह ताला का एडमिनिस्ट्रेशन की इक्वेशन से गुरु कन्वर बाबा की इजाजत खास के बाद अपने शागिर्दों को कायनाती तख्लीक की इक्वेशन के बारे में कुछ बताने का इरादा रखता हूं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस बुद्धि को इस तरह समझाने की तौफीक अता फरमाए कि मेरा महदूद शऊर और मेरे बच्चों का शऊर इसे इस हद तक कबूल कर ले कि बात समझ में आ जाए। तकरीबन तीस साल से मैं अल्लाह की देवी तौफीक के साथ मज़ामीन भी लिखता हूं, अनंत शऊर के जरिए साइंसी इंकशाफात के बारे में भी कुछ तो कुछ बयान करता रहता हूं, लेकिन पहली क्लास से एमए की क्लासों की साइंस सब्जेक्ट तक तकरीबन 30 साल से ज्यादा मैंने अपने दोस्तों के तामुन से रूहानी डायजेस्ट के जरिए कोशिश और जद्दोजहद की। 35 साल में मैं समझता हूं अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को कबूल फरमाया और आप सब लोगों ने खुलूस नियत से मोहब्बत से इश्क से मेरा साथ दिया। अब मैं समझता हूं कि अब अगर मैं कोई बात रूहानियत की जाहिर करना चाहूं इब्तदाई तो इंशाल्लाह वो सुनने भी आएगी और उसका दिमाग पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि कुरान करीम का तीसरा हिस्सा जिसको इल्मे लदूनी अल्लाह ताला ने फरमाया है उसके बारे में आप हजरात को इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ अर्ज करने में कामयाब हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه شاد بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے
तुम सख्त रुपया यानी तुम्हारे फायदे कर उसकी सर लोहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोहा बनाया, नाजुल किया, तख्लीक किया लोगों के लिए और उसमें बेशुमार फायदे महसूस किए। अब ये बताने की बात नहीं है, हर पढ़ा लिखा आदमी इस बात से वाकिफ है कि तरक्की के किसी भी शोबे में अगर लोहे का दखल न हो तो तरक्की न कर सकती, इससे कोई काम नहीं कर सकती। रेल की पटरी, नासिर की नाम, काट लोहे से बुरा, हदीस से बुरा, मुख्तलिफ धातें, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का फार्मूला ये इक्वेशन है जो अल्लाह ताला ने पुराने पाक में बनाया था। हमने इसमें लोगों के लिए बेशुमार फायदे रख दिए। आज की तरक्की में आदम अलैहिस्सलाम से अब तक लाखों साल की मईशत, माशरत, तमद्दुन में कहीं भी आपको लोहे के वजूद से इनकार मुमकिन नहीं किया। दूसरी बातें अलग अलग फरमाते कि हमने तुम्हें अकल नफी लाएगा लाया तुमने उगड़े जाना, हमने तुम्हें अल्लाह की निशानियों में अल्लाह की तख्लीक के फार्मूलों का इल्म बताया और जो वो इल्म अता हो गया तो उस इल्म की बुनियाद पर तस्वीर कायनात आपको भी समझ गए। क्या मौजूदा साइज का नाम तस्वीर के अलावा जो रिसर्च तफक्कुर कोशिश जद्दोजहद कंसंट्रेशन का नतीजा है, अल्लाह ताला का इनाम नहीं हुआ? क्या कहेंगे? दूसरी बात यह लगा हुआ है कि हमारे कायनात में जो भी तवक्कुल करेगा उसका तवक्कुल उसकी रहनुमाई करेगा और वो चीजें जिसका तवक्कुल ने रहनुमाई कर दी है वो अपने फवायद, अपने मफाद, अपना नुकसान उसके ऊपर। हर चीज का दफा नुकसान, आप दफा हो जाओ, आप नुकसान हो जाओ। पानी दफा हो जाओ, तूफान बस्तियां मार दे, ये पूरा नहीं था। तो मैंने कल आप एक सवाल दिया था, क्या सवाल था भाई? सिखो याद है तो बताओ क्या सवाल दिया था वर्कशॉप में?
एक, एक और सिफर क्या एक के साथ सिफर मिला के आपने सवाल पूछा था और फिर उससे सिफर हटा के एक की वैल्यू को डाला। अब बताओ आप क्या समझे, मैंने सबको दावत दी थी कि भी आकर ग्रुप बना के इसमें गौर फिक्र करना है, पर मैं आपसे पूछूंगा कि इनके लोगों ने तो तफक्कुर किया और सब हाथ गए, लेकिन सारे 15-20 हो चारों आदमी बैठे चलो। अब जिन लोगों ने तफक्कुर किया वो दायरे को और एक को क्या समझे, मैं खड़ो जाए प्रोजेक्ट मेरा फेवरेट मेरे आदि गाय ना क्या समझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दायरे से मुराद दुनिया है और एक से मुराद अल्लाह तबारक व तआला वहदहुल्ला शरीक है। हम सब इस दुनिया में जितने भी मखलूकात हैं वो उस दायरे के एक एक जर्रा है। अगर हम इस दुनिया से खत्म कर दिए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला वहदहुल्ला शरीक एक है, उसकी जात बाकी है। और हम सब अगर खत्म कर दिए जाएं तो उसको उसकी इबादत करने वाला इस दुनिया में कोई ना रहे। दूसरे साहब जो लोगों ने आज भाई वो खड़े जी, कल की जो नशिस्त में सवाल पूछा गया था कि एक जब होता है उसके साथ जब सिफर लगा दिया जाए तो 10 बन जाता है, एक और सिफर लगा दिया जाए 100 बन जाता है, एक और सिफर लगा दिया जाए तो 1000 बन जाता है। तो यहां बुनियादी बात यह हुई जो हमने तफक्कुर से सोचा कि असल वैल्यू एक की है, अगर एक का वजूद नहीं होगा तो कभी भी सिफर 10 नहीं बना सकेगा, 100 नहीं बना सकेगा, 1000 नहीं बना सकेगा। असल हकीकत एक है और जब हम अल्लाह ताला और दुनिया के निजाम में देखते हैं तो अल्लाह ताला की जात एक है। जब तक अल्लाह ताला की जात हमारे साथ है तो हम दुनियाओं को देख सकते हैं, दुनियाओं के साथ मुस्तफीज हो सकते हैं। अगर ये एक नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ सिफर है। ये मेरी गुजारिश हमारे ग्रुप ने इस बात पर पहुंचे हैं कि एक से मादियत है और जीरो जो है ना ये लामहदूदियत है। तो जैसे जैसे मादियत के साथ वो बनता जाएगा तो ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जो जो जब दोनों खत्म हो जाएंगे तो दोनों ही उसके बाद सिर्फ लाशोर रह जाएगा। सवाल फरमाया था जो उसमें ये इंसान की दी हुई वैल्यूज हैं एक को या सिफर को। सिफर को ये एक तरफ कह रहे हैं कि सिफर यानी कोई जीरो कोई वैल्यू नहीं है, दूसरी तरफ जब वो एक के साथ लग रहा है तो वो उसको 10 गुना बना रहे, 2 लग गए तो 100 गुना हो गया, 100 हो गए। जब आपने फरमाया था असल में कि अगर एक हटा दिया जाए तो क्या रहेगा, इससे मैं ये समझा था कि आपने हमें इस तरफ मतवजो फरमाया है कि ये जो हिंसे हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये इंसान के शऊर ने इनको वैल्यू जता दी। हमने किसकी हुई अहमियत
इंसान के लाशौर की हुई थी जिसने उसको ये सब कुछ सिखाया। अच्छा, और भी साहब भजन जो आपने कल सवाल हमें दिया था उसमें एक की और सिफर की वैल्यू पूछ रहे थे, तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एक वाहिद एक है, और उसके आगे जब हम एक नुक्ता या एक सिफर लगा जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो 10 हो जाती है। लेकिन फिर आपने ये भी फरमाया था कि जब हम सिफर को हटा देते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, तो वो सिर्फ वाहिद एक है, और जब हम एक को भी हटा देते हैं और सिफर को भी हटा देते हैं तो क्या रह जाता है, तो जो मुझे समझ आई तो सिर्फ अल्लाह रह जाता है। एंड एवरीथिंग इज अल्लाह। और यार लोग सुंदर है, सुंदर है, इसको ध्यान रखिएगा जी, हो सकेगा अपने वो खोल लें। इस्लाम को अब्बा जी आपने सवाल जो पूछा था इख्तिताम में ये समझ आया कि आप दोनों हिंसों में से किसकी अहमियत है, एक की है या सिफर की है। जितना मुझे समझ आया मेरी छोटे से शौक ने, मेरे छोटे से जहन ने जो काम किया वो ये कि दोनों की अहमियत अपनी जगह है लेकिन एक की अहमियत ज्यादा है। अगर हम दोनों की अहमियत के बारे में बात करें किसी एक के लिए, तो एक की और सिफर की एक खूबसूरत शक्ल या ज्यादा अहमियत तब बनेगी जब सिफर एक के साथ मिक्स हो जाएगा या जुड़ जाएगा या मिल जाएगा या इसमें मह हो जाएगा या गुम हो जाएगा या उसका हिस्सा बन जाएगा, और अगर सिफर को हटा दिया जाएगा एक से तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई अहमियत, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। शुक्रिया जी। अहमियत एक की है, जीरो की नहीं है। जीरो के साथ अगर मैं आगे 10 जीरो भी लगा दूं, 20 जीरो भी लगा दूं, 30 या 40 भी, तो वो जीरो ही रहेगा। अगर इन 40 जीरो के बाद मैं एक लगाऊं तब भी वो जीरो ही रहेगा। अहमियत उस वक्त है जब एक पहले लगे। एक जो है वो बुनियाद है, इसी से इब्तिदा होती है। जब हम मादी आंख से देखते हैं तो हम 2, 3, 4, 5 देखते हैं, लेकिन जो बंदा रूह की आंख से देखता है तो वो हर शय में एक, वो देखता है कि एक और एक मिलते हैं तो 2 बनते हैं, फिर एक 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 मिलता है तो 3 बनते हैं, फिर एक 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 मिलता है और एक और एक मिलता है तो 4 बनते हैं। तो मादी आंख से जब हम देखते हैं तो हम हर शय को 2, 3, 4 इस तरह से देखते हैं, लेकिन जब हम रूह की आंख से देखते हैं तो हम हर शय को एक देखते हैं, और ये एक मुख्तलिफ सूरतों में अपना मुजाहिरा कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। एक और बात जो समझ में आती है एक से, ये एक की जो डायग्राम है ये लकीर की सूरत में है। हम देखते हैं कि हर शय यहाँ पे लकीरों में कायम है। इन लकीरों की बुनियाद रोशनी है, और जो रोशनी है वो इन रोशनियों को नूर फीड करता है। तो जो रूह की आंख से देखते हैं वो हर शहर में अल्लाह के नूर को देखते हैं, हर शहर में यहाँ एक ही देखते हैं। शुक्रिया। हमारी मेरी नाटक कल में जो हमने आपस में डिस्कशन किया उसमें यह आया कि अलग अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है। जब अल्लाह नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अल्लाह के साथ अगर हम अपने नफ्स को जीरो करें और जितना जीरो करते जाएंगे हमारी वैल्यू उस एक के साथ लग के बढ़ सकती है, बजाय एक के अगर हम जीरो जितने भी कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ही है एक, अगर वो भी ना रहे तो फिर दुनिया में किसी चीज का वजूद रह ही नहीं सकता। अल्लाह ही की वैल्यू है, उसके साथ अगर हम अपने आप को जीरो एक दफा करेंगे तो उसकी एक 10 वैल्यू बनेगी। जितना अपने आप को नफी करते जाएंगे, जीरो करते जाएंगे, हमारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। इसे देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है
मेरे अहाते में निश्चय करो बाबू, कायनात में जो कुछ है वो मेरे अहाते में है। दूसरी बात बताते, हर चीज मेरी तरफ से आ रही है और हर चीज मेरी तरफ लौट रही है। तीसरी बात बताया है बनवाते, इंतहा अव्वल आखिर जाहिर बातिन सब मैं हूं। आदि मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी थोड़ी सी तशरीह करके जिंदगी खत्म कर दूंगा। थोड़ा नहीं रहा हिंदू कुल्ली शेइन कदीर, हर शे अल्लाह की आते कुदरत में जिंदा है। युखुदुल हजम मस्जिद मुजुल मस्जिद है, दो दायरे हैं, एक दायरे से हम जिंदगी निकालते हैं और दूसरे दायरे में जिंदगी दाखिल करते हैं। दायरा में हम रात को दाखिल कर लेते हैं और दायरे में से हम रात को निकाल लेते हैं। ये बहुत सारी आते हैं। अब ये आप सब लोग किसी और को कह रहे हैं कि इसको मजीद आगे बढ़े, हाँ भाई आप उसको बताए मीडिया आप उसने और से देखे वहां بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد کریم عظیمی صاحب نے کل ورکشاپ میں شرکائے ورکشاپ کو غور و فکر کے لیے ایک سوال دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ رات کو اس بات پر غور و فکر کیا جائے اور لکھ لیا جائے۔ آج ابدال حق حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 35वें उर्स मुबारक पर इसकी तशरीह पेश की जा रही है। लाम नाम में 8 ट्राइंगल्स और निश्चित दायरा है। अलिफ में 8 ट्राइंगल्स हैं,
और नीम पूरा दायरा और आठ ट्राइंगल्स पर मबनी है। तालाब बिसात है जिस पर गैलेक्सीज का कयाम है। तालाब में हरकत लाइफ यानी जिंदगी है और लहरें तखलीक का मुजाहरा है और पूरा दायरा मुजाहरे का फार्मूला यानी इक्वेशन है। दायरे तालाब पर मुहित हैं, हर दायरा पैदा हो रहा है और अपना मुजाहरा करके पानी में गायब हो रहा है। नाजरीन, कुदरत के बनाए हुए इस तखलीकी फार्मूले पर गौर करें और आपकी समझ में जो बात आए या ना आए वो हमें भेज दें। ईमेल एड्रेस markazi.muraqaba.hall@gmail.com। आपको उसकी मिसालें थोड़ी सी बयान करूंगा। उसके बाद एक किशन है जो तखलीकी कायनात से मुतालिक है। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. دن رات میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی ایکویشن بنائے بظاہر اس میں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، اختلافی لینے بندہ ان نبی زارے کا لایات لیے اور احباب، لیکن اس تخلیقی اپریشن پر صاحب عقل و فہم لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ٹینگل سرکل میں ٹینگل، ٹینگل میں دائرہ، پاپ اور بل مرتبہ ہے مزاج الذی جس نے خلقا تخلیق کی، فسوا توازن کے ساتھ، والذی قدر فہدا اور وہی اللہ تبارک و تعالی اور خالق کائنات ہے جس نے مقداروں کا علم اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لأولی الألباب، اور ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تو سب مسخر کر دیا۔ زمین یعنی زمین و آسمان کی جو ایکویشن ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، ہر شے اللہ کے ہاتھ میں. اب احاطہ ایک یونٹ ہوا اور تخلیق ایک یونٹ ہوا. جب ہم سرکل میں ٹرینگل بناتے ہیں تو سرکل میں ٹرینگل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے. بیل سے اڑاتا بھی نہیں، یہ چھوٹا سا بیل پورا دائرہ، کائنات کا دائرہ، کروڑوں دنیاوں کا ایک دائرہ. اور کروڑوں دنیا میں جو ٹرینگل بن رہے ہیں وہ اس دائرے کے اندر مخلوق کی شکل و صورت ہے. دوسرے دیر بعد یہ کہ ایک فرسٹ کاغذ لیجیے، سادہ سفید، اس کے ایک بڑا ٹرینگل بنائیے. اس ٹرینگل کے اندر اتنے ٹرینگل بنائے، اتنے ٹرینگل بنائے، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، اتنے بنائے کہ وہ جو پہلا دائرہ ہے وہ بالکل بھر جائے. اب اس دائروں کو جب ڈھائی تین فٹ سے آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی ایک بھی دائرہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں کسی مخلوق کی تصویر ہو. اس کے بعد میں ختم کر دوں، بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ سب لوگ آپ اس کا تجربہ کریں، اس سلم کو لے جائیں، بار بار دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آیا بولی پہ، جو سمجھ میں نہ آئے وہ لکھ دیا. ان شاء اللہ ادارہ مراقبہ حال اس سلسلے میں درس و تدریس کے طریقے پر ان شاء اللہ جانوائی کرے گا. آپ سمجھ جائے تو بہت شکریہ. آپ کا شکریہ الحمدللہ. میں آپ کے آنے سے بہت خوش ہوا. آپ کے لیے میری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روشن ضمیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محض دنیا بھی علوم کی چار دیواری میں بند نہ رکھے. علوم چار دیواری میں بند روم کا فائدہ شعوری ارتقا تو ہو سکتا ہے، تو انتہائی ضروری ہے. اور جتنا شعوری ارتقا زیادہ ہوگا اسی مناسب سے آپ لاشعوری علوم کا کوئی لگا سکتے. اگر لاشعوری علم کا لاشعوری علم کا آپ کو علم نہ ہوا تو پھر مہر لگ جائے گی شعور کے اوپر، اور اس دنیا لے جانے کے بعد
شعور اس طرح محدود اور پردے میں بند ہو جائے گا کہ پھر لاشعور کی طرف لاشعور کے راستے پر لیبر بندی ہو میرے دوستوں میرے عزیزوں دنیا کے سارے کام کرو یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہے آسائش و آرام حاصل کریں تکالیف کوئی پریشانی ہو تو اس کو صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں لیکن اصل زندگی ہماری شعوری نہیں ہے اصل زندگی ہماری لاشعوری ہے ہم جب سو جاتے ہیں ہمارا شعور سسپینڈ ہو جاتا ہمیں کچھ نہیں پتا کون ہمارے گھر میں آیا کون گیا جب ہم لاشعور سے نکل کے شعور میں آتے ہیں تو ہمیں ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جو سونے کی حالت میں نہیں ہوتا یہ کہنا کہ سویا زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو بے خبری کا ہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو نکل رہا ہے لیکن رات ہے اس لیے کہ لاشعوری زندگی میں جس کو ہم سونے کی زندگی کہتے ہیں ہم ڈرتے بھی ہیں اور زدہ بھی ہوتے ہیں ہمیں اگر واجب ہو جائے تو غسل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ہمیں سردی بھی لگتی ہمیں گرمی بھی لگتی ہم خوف زدہ بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں پھولوں کی مہک ہمیں اسی طرح متاثر کرتی ہے جس طرح بیداری میں ہم متاثر صاف بچھو کا ڈر ہمیں اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ہوتا ہے کانٹا چبھنے کا احساس ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ہوتا ہے زندگی کا کوئی مرحلہ زندگی کا کوئی تقاضا ڈر ہو خوف ہو سکون ہو خوشی ہو لڑائی ہو جھگڑا ہو قدر ہو پیدائش ہو شادی ہو بیاہ ہو ایسا نہیں ہے جو خواب میں پیش نہ آتا ہو اور ہم پیدانے کی طرح ان حالات سے متاثر نہ ہو کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہے ہی ہے کا کیا مطلب ہوا بھائی ہم ڈر گئے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے پیدانے سے ڈرتے ہیں ہم خوش ہو رہے ہیں ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے بیداری میں خوش ہوتے ہیں اللہ سب کی حفاظت کرے چھت سے گر گئے خواب میں کیا ہمیں بیداری کی طرح خوف نہیں آتا جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں چوٹ کا احساس تو ہوتا ہے لیکن جب ہم پوری طرح شعور میں آتے ہیں تو خوف رہتا ہے چوٹ کے احساس کا
क्या हम सोने की हालत में जबकि हमारा शऊर काम नहीं करता बदबू महसूस नहीं करते खुशबू महसूस नहीं करते अपने प्यारों से लेकर खुश नहीं होते अपने दुश्मन को देखकर उससे खौफजदा नहीं होते कौन सी ऐसी गति जो बेदारी में होती है और उससे हम सब मुतासर होते लेकिन ख्वाबों से मुतासर नहीं होते कोई एक कैफियत इस पूरे मजमे में हजारों में बताए एक जिंदगी की एक इंतहाई है इस जिनसी तरजुद कि अगर मिसाल ली जाए तो बेदार होने के बाद क्या आप पर गुस्ल वाजिब नहीं हो जाता क्यों भाई तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप खाब कहकर अंदाज कर सकते हो बेदारी को हमने किसी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के निजाम के तहत अल्लाह ताला ने वादा फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कि अगर तुमने दुनिया में हमारी अदूली नहीं की जुल्म और जिहालत का सबूत नहीं दिया तुमने कोशिश की कि न फरमाने का इंतकाब न हो तो हम तुम्हारी जन्नत तुम्हें वापस कर देंगे इसका क्या मतलब इसका मतलब ये कि जन्नत की जिंदगी एक से निकलना एक पादाश है सजा है सऊबत है दिन में सऊबत नहीं है दिन से जब हम बाहर आए सबसे पहले हमारे ऊपर जो चीज मुसल्लत हुई वो स्पेस थी फिर हमारे ऊपर जो चीज मुसल्लत हुई वो ये कि सबर पोषी का एहसास हमारे अंदर पैदा हुआ और सबसे बड़ी मुसीबत जो हमारे ऊपर हमारे खताओं की बुनियाद पर नाजिल हुई वो ये कि हम खौफजदा हो गए हिज्र मराल में आ खौफ और गम ने हमें लुक्मा समझ कर बिगड़ लिया और तीसरा सबसे बड़ा जरूर यह हुआ कि हम दुनिया में आकर जन्नत की सारी नियमतों को भूल गए सारी नियमतों को भूल के जन्नत की आर्जी नियमतों को इतना ज्यादा मुतासिर होकर कबूल किया ये देखते हुए कि जब हम जन्नत से यहां आते हैं कोई चीज नहीं आते सब चीज नहीं रह जाते और जब इस दुनिया से जाते हैं तो कोई चीज साथ नहीं रह जाते नंगे पैदा होते हैं नंगे मर जाते इस बात से कोई
माशाल्लाह हजारों आदमी बैठे, कोई एक आदमी इनकार कर सकता है? बताओ भाई, मगर इतिहास ही है, सारे बताओ, कोई इनकार कर सकता है? फिर हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? जो चीज हमारी नहीं है, जिसको हमने बाहर हार छोड़ना है, क्या हमने उसमें अपना दिल नहीं लगाया? और इस तरह दिल नहीं लगाया, लगा लिया है कि जगत की सारी नेमतों को भूल गए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आप जन्नत की जिंदगी को कभी ना भूले और जन्नत की जिंदगी के आसाइश और आराम को तलाश करो और जन्नत की जिंदगी के फार्मूले इक्वेशन का इल्म हासिल करें और दुनिया की इक्वेशन की मुस्तकिल तब्दीली जाहिर गायब होना उसकी वो सोच जाए। आप जो पैदा हुए कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए? गैब से आए। आप दसवीं के हुए कहां गए? ग्यारहवीं में आप जाहिर हो गया। 20 साल कहां गए? 60 साल कहां गए? और आखिर में आप कहां गए? तो आपकी असल नकल और असल वतन और नकली वतन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तो हुआ गैब में कहां से आए? जन्नत अभी भी गैब ही जाहिर है। तो अगर आप अल्लाह से वाकिफ नहीं हुए तो जन्नत का कोई जवाब जहन में आता है? जोर से बोलो, हाँ या नहीं? बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत देर हो गई, मैं तो कहा था 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولا من رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار قدار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله
और हमें
سلسلہ عظیمیہ کی خدمات کی شکر سے، اے دل سے، خلوص سے، جذبے سے، رواداری سے، سچے دل سے، عشق سے سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی تعلیمات، جو آپ کے پروردگار ساری کائنات کے اللہ، ہمارے اللہ کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خود یہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم خود عمل کر کے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ساری ضروریات درختوں پرندوں ہر چیز جنات کو جو بھی تیری محبت کہ اللہ ہمارے اندر بس ادا فرما کہ ہم بھی سب سے محبت کریں اور ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہمیشہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں اور آپ سے معافی یا اللہ ہم تیرے نام پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی سعادت سے ہمیں بہرحمد فرما اور ہمارے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے درجات اعلی اعلی اور عرفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو سعادتمند بنا، یا اللہ ہمارے والدین کو غصے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے ورکشاپ میں آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ اب کہنا پہچانا سلسلہ ہے، اور سلسلہ عظیمیہ ایک ایسا باغ بن گیا ہے اللہ کی بیوی توفیق سے اور آپ سب کسانوں کی محبت سے کہ ہر جگہ اس کا پھل دستیاب کہ ان پھلوں سے کی آبیائی کر کے ہم اور پھلدار شجر پیدا کریں تاکہ دنیا میں آپ کے گول بارے میں ہم لوگوں کی سعادت بھی لکھی جائے اور آپ کے دوست قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جن کی میں مہربانیوں سے کرم فرمائیوں سے نوازشات سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یا اللہ اور میری بڑھاپے کے لحاظ سے مہربانیاں عطا فرمائی، میں آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو مطابقت ہے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس آدمی میں تعصب ہوگا، جس آدمی نے اپنے چھوٹوں کے لیے عزت نہیں ہوگی، جن چھوٹوں میں بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، وہ قوم کبھی سکون نہیں ہوگی، ذلت و خواہش کو مقدر ہے۔ آپ بزرگوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، یہودی، جس سے بھی اخلاق حسن حاصل پیش ہے تاکہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اخلاق سے متاثر ہو کر
वो भी आपका हमदवा बने, आपका दोस्त बने और हमारे आक्रमोज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबीन कबूल करे। अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो वो भी हमसे नफरत करेगा, अगर हम सबसे मोहब्बत करेंगे तो नफरत करने वाले भी हमसे मोहब्बत करेंगे। लोगों की खिदमत कीजिए, लोगों के काम आइए, बीमारों की इलाज पुष्टि कीजिए, नादारों की बीमारी कीजिए, गरीबों के काम आइए, ये तीनों मुश्किलों की मदद कीजिए। जो लोग पढ़ने के काबिल नहीं है उनको किताबें दिलवाइए, उनकी फीसें अदा कीजिए, उनकी दस्तगीरी कीजिए, उनके हौसले बढ़ाइए, गरीबों को अहमियत दीजिए। मतलब ये नहीं है कि अमीरों की इज्जत न करें, लेकिन गरीबों को अहमियत दीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का आए और उन्होंने कहा, ये जो आपके पास लोग बैठे रहते हैं बंदू मेरे गुजरे होते, इनके कपड़ों में मूवी आती है, इनके लिबास की वो पोशाकें नहीं होती जो हम उमरा की है, तो आप इनके लिए हमारे लिए अलग अलग दिन मंजूर कीजिए। पर बात होते होते ये हुआ कि हुजूर ज्यादा उधर मांगी थी कि उन्होंने दरखास्त की कि हमारे लिए एक दिन ऐसा मखसूस कर दीजिए कि जिसमें ये हम लोग आए और ये न आए। आपको पता है क्या हुआ, फौरन वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला का नहीं तुम्हारे ये अमीर तुम्हारे बल्ला साहबा और फिक्रता वाजिम शुकूना की समीर का बशिर हुक्म के दावे करें, वो भी जिनमें तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, वजाहत होगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की मदद करने की बजाय उनको हिफारत से देंगे, वो बशीर हुक्म के दावे करें, इनको आप अज़ाब-उल-अलीम की इशारत। गरीब हमारे भाई उनके लिए छोटे हैं, अभी कमरे भी अमीर को खारिज से देखो तो इज्जत दिशा बदमशा अल्लाह तारा जिसको नहीं इज्जत है हमें भी इज्जत दूसरी, लेकिन अपने गरीब भाइयों की तस्वीर न करो, उनको इज्जत दे, उनकी भूख प्यास तालीम निवास को खुआओ। ये घर में 40-40 जोड़े, 50-50 जोड़े, 200 जोड़े और फिर रहती हैं और फिर और सीधी रहती हैं और सीधी रहती हैं और सीधी रहती हैं। आप जरूर कपड़े सिलवाए, अल्लाह तो अफीम दे भाई, 10 जोड़े रख ले, 10 जोड़े पहन ले, 10 जोड़े लोगों को देने, फिर 10 जोड़े सिलवा ले, फिर 10 जोड़े गरीब लगाने को दे, फिर 10 जोड़े सिलवा, ये जमा करके क्या करना। अब तो 100 कम खाब के कपड़े पहनने वाला आदमी, जब गरीब आदमी जब मरता है और मरने के बाद गुस्ल के तख्ते पर लेटता है,
तो सबसे पहले गुसल करने वाली खातून या गुसल करने वाला मर्द इतनी बुरी कैसी करके कपड़े बस नस्ते हो तो भाग के हो टाट के हो कंबल कपड़े काट दिए आदमी मर गया पचास रुपए बट गए या और नहीं हमारे अब्बा की निशानी मरी अम्मा की निशानी मरी दादी की निशानी और उसको थोड़ी देर में दीमक खा गई और वो या किसी को मुर्दा दे दिया किसी को शलवार दे दी किसी को शलवार कमीज दे दी क्यों भाई कि अगर सारे घटे कपड़े दे दी तो ज्यादा हो जाएगा ये नाशुक्री है अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखो रोज दूर पास है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो कयामत के दिन तुमसे हिसाब होगा कि तुम्हारे पड़ोस में एक आदमी भूखा सो गया तुम्हारे दस आदमियों ने खाना खा लिया तो तुम्हारी सजा क्या है तुम खुद तो गरीबों का ख्याल रखो अमीरों को अल्लाह ने इज्जत दी आपकी इज्जत है ये जमाने दे देंगे कि अमीरों को इज्जत दी जाए और गरीबों को नजरअंदाज समझे जाए उन्हें अच्छा ना समझाए कमर मतलब आ रही है दुर्दू है ये इंतहाई दर्जे इंतहाई दर्जे जुर्म है तो अल्लाह को ना पसंद है और हुकूमत को बात है मैं अपनी बेटियों से बहनों से खास करता अपने जरूर अच्छे से लेकिन कपड़ों की कब्रें ना बनाए उन्हें तकसीम करें खाने जरूर अच्छे से अच्छे खाए लेकिन गरीबों का मसला ये अगर नहीं होगा तो पता है क्या हो फिर ये होगा कि गरीबों की जगह अमीर हो जाएंगे और अमीरों की जगह गरीबों को लगाई थी जगह ये दुनिया हाजी आज है कल नहीं हो जो बूढ़ा हो गया वो मर गया जो जवान हुआ वो मर गया जो बच्चा हुआ वो मर गया जो रात में पेट में अभी बेचारे को दुनिया में आया भी नहीं वो मर गया और नहीं मरा तो सौ साल नहीं मरा तो मेरे साल अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तो फिर दे अपने गरीब भाइयों का अपने गरीब खानदान का यतीमों का मिस्कीनों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें अल्लाह ताला रिस्क में कमी नहीं करेगा एक आदमी को हम खाना खिलाएंगे अल्लाह ताला का वादा है दस दुनिया सत्तर आदमी दस खाना देगा और इसके बदले में सत्तर नेमतें खानो कुछ बनने आपको सुनोगे अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने भाइयों का ख्याल रखे सलाम में पहल करे जो पास आ जाए उसको हिफाजत से न देखे।